कठिनाइयों को झेलते हुए इस वर्ष अपनी पहले करवा चौथ को यादगार बनाया दीक्षा और अभिजीत ने। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आपको बता दें, ये दोनों बालिग युगल अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर विवाह कर कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। लोग आज करवा चौथ का व्रत है जहां पर पति के लिए पूजा किया जाता है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा कानून व्यवस्था जो है कभी भी निष्पक्ष देखने को मिला, लेकिन आखिर पुलिस को गुमराह कौन कर रहा है? अगर किसी का अपहरण किया गया है तो इस पर कानून जो है जांच का विषय क्यों नहीं लगा रहा है? लगातार हम लोग देखते आए हैं यूपी में इनकाउंटर से लेकर तमाम चीजों पर, यानी कि कानून व्यवस्था एकदम चरम सीमा पर रहती है। योगी आदित्यनाथ के सरकार में किसी प्रकार का भूल अगर हो जाए, कि वो उत्तर प्रदेश और वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। दीक्षा, सवाल ये है कि लीगल नोटिस दिया जाता है थाने में कि आपका अपहरण हो चुका है। नहीं, मेरा अपहरण नहीं हुआ है। मैं अपने मर्जी से घर से निकल के शादी की हूँ अपने हस्बैंड से। मेरे हस्बैंड का नाम है श्री अभिजीत राजभर और मैं खुद से अपनी शादी अपनी मर्जी से की हूँ। कोई जोर जबरदस्ती तुम्हारे साथ अभी जब हम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी मर्जी से जो बोल रही हूँ अपनी मर्जी से बोल रही हूँ। जिंदगी खुद का बहुत अच्छा, जिस वक्त से मैं चल रही हूँ, मतलब इतने वर्षों से। छह पहली बार आप उनसे कहाँ मिले? पहली बार हम लोग रास्ते मिले थे, हम स्कूल जा रहे थे और वो आए, मुझसे फ्रेंडशिप किए, फिर बात हुआ, फिर ऐसे ही बात हम लोग का बढ़ता गया, रिश्ता बढ़ता गया, फिर एक दूसरे से हम लोग करीब आते गए। क्या तब तक परिवार को पता था इस बात? जी, पता हो गया था। किसको पता हुआ था? पूरे परिवार? पूरे परिवार में मेरे घर के सभी सदस्य को पता हो गया था। मैं बात करती थी फोन से, पता चल गया। उस वक्त मेरे घर वालों ने मुझको मारा पीटा, वहां तक मैंने शादी की भी बात बोली थी कि मैं प्यार करती हूँ, मैं शादी करूंगी। जी, तो उस वक्त भी वो लोग ने मुझको मारा पीटा और शादी के लिए बोले नहीं कि मतलब वहां पे तेरी शादी नहीं होगी, क्योंकि मैं अदर कास्ट से प्यार करती हूँ, वो मेरे कास्ट के नहीं थे। कितना उम्र होगा आप? मेरा 21 वर्ष। तो पढ़ी है? जी, मेरा बी सेकंड ईयर बालिक है। मैंने कोर्ट मैरिज भी किया है। कोर्ट मैरिज का कागज दिखा पाएंगे? जी। ये पूरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये गुजरात का कोर्ट का ऑर्डर है, जहां पर आपको पूरा बता फॉर्म नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि आप दोनों जो है वो बालिक हैं और आप लोगों का जो है विवाह जो है वो पूरी तरह से कोर्ट मैरिज के आधार पर किया गया है। ये तमाम ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आधार कार्ड में आपको बता दे 7/5/2002, यानी कि लगभग आपको हम बता दें कि अभी चल रहा है 22। तो दोबारा है कि आखिर पुलिस को गुमराह कौन कर रहा है? लेकिन वहां की जो पुलिस है वो तो आप पर अपहरण का केस। मैं अपने घर से अपने मर्जी से निकलूं, वो भी अपने जिसे हम प्यार करते थे, मैंने खुद फोन किया था, वो भी अपने पापा के मोबाइल से फोन किया था, पापा के मोबाइल से कि आप मुझे लेने के लिए आ रहे हैं कि नहीं। मतलब एक दो दिन पहले बात की थी तो बोली कि मेरे घर पे सब मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, आप मुझे लेने के लिए आइए। तो वो मेरे को बोले, बहुत समझाएं, लेकिन मैं बोली नहीं, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। आज आप इस शादी से खुशी हैं? बहुत खुश हैं हम। बता दें कि आज करवा चौथ का दिन है और हर पत्नी चाहती है कि उसके पति का लंबी आयु हो। करवा चौथ आप क्यों कर? ठीक है, लंबी आयु के लिए मैंने व्रत रखा है और बहुत खुशी से रखा है। कि किसी मेरे पति को मतलब बुरी नजर न लगे, और बाकी बहुत सारी दुनिया हम लोग को जुदा करने के चक्कर में, लेकिन कभी अपने पति का साथ हम नहीं छोड़ेंगे। जितना भी बुरा वक्त आए, सारे लोग खिलाफ हो जाए हमारे, लेकिन अपने पति के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। खैर, जिम्मेदार नहीं बल्कि इसको जिम्मेदार बताया जाए। लड़का जब बालिक है तो इस बात को समझ पाया और किसी का जान ना चला जाए उसको बचाने के लिए उनसे शादी किया। अब इसी बात को लेकर पूरा गांव एक तरह से विवाद में छिड़ चुका है। वहां पर वहां के प्रशासन को ये समझाया गया, एक तरफा समझाया गया, एक नोटिस दिया गया आपको कि आपका अपहरण हो गया। अगर अपहरण हो गया तो ये कोर्ट मैरिज किया है, भरोसा है? हाँ। और न्यायालय के प्रावधान के मुताबिक कोर्ट मैरिज इन्होंने किया, लेकिन न्याय व्यवस्था की अगर बात करें, प्रशासन को जो जो गुमराह कर रहे हैं, मेरे चाचू अशोक प्रधान यादव और उनका छोटा भाई, वो भी मेरे चाचू लगते हैं, प्रमोद यादव,
और बगल के गांव के हैं दो लोग बबलू मास्टर। क्यों नहीं चाहते अपने बेटी का घर? उन लोग का निजी दुश्मनी है, ये मतलब पहले से ही जमीन का विवाद था, तो हम लोग के घर मतलब मेरे पापा के खिलाफ उनका मतलब दुश्मनी है, तो इस तरह से पापा को भड़का रहे हैं कि वो हम लोग हमको और हमारे हस्बैंड को जान से मरवा दे, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं बताया जा रहा हो चुका है, लेकिन अपहरण नहीं बल्कि वो शादीशुदा जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सबको विश्वास रहता है और उसी विश्वास के साथ आज एक बालिक लड़का और बालिक लड़की ने एक कदम ऐसा उठाया जहां पर संविधान में यह भी कहा गया है कि आप अगर बालिक है तो अपने जिया प्यार मोहब्बत करके शादी किया, और क्या किया इन्होंने, कोर्ट मैरिज किया, और कानून व्यवस्था पर इन्होंने जताया कि मैं विश्वास रखता हूं इस कानून। लड़की के घर वालों ने सब कुछ जानते हुए भी अपहरण का मामला दर्ज कराया है। पुलिस सब कुछ जानकर भी बेवजह परेशान कर रही है। सारे शादी कर रहा हूं, हमारे साथ लड़का लड़की दोनों मौजूद है, परिवार के पास, चूंकि ये यूपी के रहने वाले हैं और इन पर एक नोटिस ये आता है, वो लड़की को अगवा करके लाया है, पर पुलिस को नोटिस भेजा जाता है, लीगल नोटिस उसके घर तक पहुंचता है और लोग इनके परिवार तक को टॉर्चर करता है, यहाँ के इनके भाई तक को उठा के ले जाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, जैसा ये बता रहे हैं कि उनसे पूछा जाता है कि आप लोग कहाँ रखे अपने भाई को, लेकिन इनका ये कहना है कि मैं कानून व्यवस्था पर भरोसा करता हूँ, मैं कानून तह पर ही शादी किया हूँ, कानून व्यवस्था। हम इनसे जानना चाहेंगे कौन कर रहा है आप जो अपहरण करके लाए? वहाँ पे लड़की के घर के जो हमारी वाइफ है उनके घर से मतलब पता चला है, गांव वाले ने बोला है कि इनके घर वाले भी ऐसा बोल रहे हैं कि थाने में बोले हैं मैंने इनका अपहरण किया है, और कुछ लोग भी मिले हैं इनके घर वालों के साथ, इनके घर वालों को भड़का रहे हैं, जो कि पहले ही ये अपने घर पे बात की थी हमारे शादी के बारे में, लेकिन इसके बावजूद इनके घर वालों ने इनको मारा पीटा था, ऐसा एक बार नहीं 3-4 बार हुआ था, लेकिन फिर भी ये अपना मतलब हिम्मत नहीं हारी, फिर हमसे बोले कि मेरा शादी कहीं और लगा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं मेरा शादी। तो मैं बोला कि देखो मतलब अब इसमें जब कर रहे हैं तो फिर मम्मी पापा का बात मानना पड़ेगा आपको, तो बोले कि अगर मेरा शादी कहीं और होगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे, अब अगर अब मैं आत्महत्या कर लूँगी ले दे के। इसमें यही हुआ कि मुझे डर था कि अगर ये कुछ कर लेंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा सब। और आज आपको फिर से फंसा है? शादी हम लोगों ने कोर्ट मैरिज से किया है, गुजरात में गया, वहाँ पे जो मेरे मतलब कुछ दोस्त थे, कुछ सगे संबंधी थे, वो लोग मिल गए, मतलब सब व्यवस्था किया और हम लोग जाके वहाँ पे कोर्ट मैरिज किया। 6/9/2022 को हम लोग वहाँ के कोर्ट में हम दोनों ने शादी किया मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट का यहाँ पे साइन दिया ताकि ये कुछ बोल ना सके। जो हमारा थाना है सिंधोरा वहाँ पे हम लोग ने बात भी किया था, इन्होंने वहाँ के SI से बात भी किया था, और वहाँ पे हम लोग ने अपना कोर्ट का सर्टिफिकेट भी भेजा, अपने शादी का फोटो भी भेजा, फिर भी वो लोग पता नहीं क्यों हम लोग के पीछे पड़े हैं, इसका तो हम लोग को पता नहीं है क्यों पड़े हैं, लेकिन हम लोग अपने तरीके से कोशिश इतना था कि इतना लीगल तरीके से सब कुछ करें कि ताकि कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी कौन भड़का रहा है, पुलिस को कौन क्या कर रहा है, हम लोग को पता नहीं है। हमारे मतलब गाँव के प्रधान है, ज्यादातर करके उन्हीं पे शक है क्योंकि वो एक तरफा पक्ष देख रहे हैं। कुछ मीडिया द्वारा गलत सलत अफवाह भी फैलाया जा चुका है। खबर के माध्यम से ये बताया गया है कि आप पर कई चार्जशीट दायर किया गया है, आपको कई केस आपके ऊपर लदा हुआ है, ये सब क्या चीज? ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। पुलिस जो है सही तरीके से जांच नहीं कर रही है क्योंकि वहाँ पे एक तरफा फैसला चल रहा है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ यानी कि वहाँ के मुख्यमंत्री साहब क्या चाहते हैं, क्या गुहार लगा? मैं योगी आदित्यनाथ जी से यही मतलब प्रार्थना है कि जो हम लोग अपने नियम कानून, जो कानून में लिखा गया है कि लड़के का उम्र 21 साल हो, लड़की का उम्र 18 साल हो, उसके बाद ही वो शादी कर सकता है, उस नियम के हिसाब से लड़की का उम्र 20 प्लस चल रहा है और मेरा 24 चल रहा है, तो हम लोग ने ऐसा फैसला किया और कोर्ट मैरिज किया। ये कानून के ऊपर भरोसा है कि आप लोग मेरा मतलब जो सही है सही का साथ देंगे, अगर मैं भी गलत हूँ तो मेरा भी मतलब सजा दे सकते हैं, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि अगर सही गलत का आप लोग को फैसला रोज ही हो रहा है तो मुझे भी देखिए और मेरे भी पूरे केस का छानबीन कर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरी यही विनती है कि हम दोनों ने अपने मर्जी से शादी किया है और हम लोग बालिग होकर शादी किए हैं, इसके बावजूद भी कानून हम लोग का साथ नहीं दे रहा है, हम लोग के खिलाफ है, हम लोगों ने कोर्ट मैरिज शादी किया है, सही तरीके से किया है, अगर हम गलत हैं तो आप हमें सजा दे सकते हैं और सही है तो हमारा साथ दीजिए, यही हमारी विनती है आपसे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, धन्यवाद।
बीती ये दो परिवार एक हो जाए ऐसा चाह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं यूपी सरकार से, जिस कानून व्यवस्था को काफी तक देखा जाता है कि हर समय उनका जो विचार रहा है, हर समय उनका जो न्याय रहा है वो एकदम सटीक रहा है। राज योगी आदित्यनाथ के सरकार में इस तरह का बालिक दोनों है, लेकिन जात और प्रांत यह नहीं देखा जाता है। कानून व्यवस्था में एक ही चीज लिखा हुआ है, लड़का और लड़की अगर बालिक हो जाए तो वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। अगर इन्होंने शादी किया है तो फिर रोक कौन रहा है? अगर इन्होंने लीगल तरीके से शादी किया तो फिर इसको रोक कौन रहा है? और बात करें सिंधौरा थाने की, तो थाना के आईसी को एक बार बोलना चाहेंगे, कानून व्यवस्था से मत खेलिए। और अगर कानून व्यवस्था से आप खेल रहे हैं तो ये तस्वीर एक बार देख ले, इसका नाम क्या है? कोर्ट। इससे आगे आप नहीं है। थाने से इशारा कर रहे हैं और समझा रहे इस बात को कि इस व्यवस्था को देखिए और जानिए, वो योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अभी फिलहाल दीक्षा ने थाने में आत्मसमर्पण कर चुकी है। नियम के अनुसार 21 अक्टूबर दीक्षा को अदालत में पेश करके महामहिम न्यायाधीश के समीप उसे अपनी बात कहने का मौका देना है। अब देखते हैं यहाँ भी कोई होता है कोई खेल, या पुलिस निभाती है अपनी जिम्मेदारी। ब्यूरो रिपोर्ट 24 घंटा लाइव। अकृत इंटरप्राइज घोषपाड़ा रोड श्री कृष्ण सिनेमा के पास जगदल,